मौर्य जी, आज पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य जी द्वारा एक विवादित बयान दिया गया है। उनके बयान के द्वारा कहा गया है कि आपका सर काट के लाने वाले को 25 करोड़ का वो इनाम देंगे। इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, अपने को स्वनाम धन्य पीठाधीश्वर करने वाले लोग अपने असली चेहरे को जनता के बीच उजागर कर रहे हैं। साधु संत और धर्माचार्य के देश में ये नरपिशाच हैं, आतंकवादी हैं, अपराधी हैं, और जिनका अपराध चरित्र आज एक एक करके जग जाहिर हो रहा है। ये धर्माचार्यों का गुण नहीं है किसी को गोली मारने के लिए कोई 25 करोड़ रुपया देगा, किसी का गर्दन तलवार से काटने के लिए तलवार खरीद करके हवा में लहराएगा, सिर काटने वालों को सुपारी देगा, जीभ काटने वालों को सुपारी देगा, हाथ कान नाक काटने वालों को सुपारी देगा। तो यह चरित्र किसी साधु संत धर्माचार्य सन्यासी का हो ही नहीं सकता। ये कुख्यात आपराधिक चरित्र के लोग हैं जो साधु वेश में अपने को छिपाए हुए हैं। उनकी बोली, उनकी भाषा, उनके कृत्य, उनके चरित्र से इनका अपराध आज जनता के बीच में एक एक करके बाहर आ रहा है। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि उन्होंने 4 लोग तैयार किए हैं जो आपको गोली मारेंगे और इसीलिए आप चुप रहे हैं। अब इसका सही उत्तर तो ही दे सकते हैं, वो 4 लोग कौन हैं? और मैं केवल इतना कहूंगा कि इस प्रकार के बोल बोलने वालों के खिलाफ पुलिस अभी भी गूंगी बहरी अंधी बनकर के तमाशा देख रही है। यह है योगी राज का जंगल राज। आज जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, कानून राज खत्म हुआ है, उसी का नतीजा है कि इस प्रकार के बोल बोलने वाले लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी इस प्रकार का निर्देश है कि कोई भी इस प्रकार का घृणात्मक आपराधिक कृत्य करता है तो स्थानीय पुलिस या कानून को पहल करके ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आज चूंकि उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है तो सारे बाबाओं के बल्ले बल्ले हैं, इसीलिए साधु संत सन्यासी के वेश में आपराधिक चरित्र के बाबाओं का हौसला बढ़ा हुआ है। वो जानते हैं कि माननीय योगी जी की सरकार में उनका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। इसी प्रकार से 25 करोड़ रुपए की सुपारी देकर के मुझे गोली मारने का प्रमाण बाबा ने जारी किया है। हम समझते हैं साधु संत और सन्यासी समाज को ऐसे बाबाओं को अपने अखाड़े से बाहर करना चाहिए।